नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। लोकसभा का चुनाव एक उत्सव से कम नहीं होता है, जिसका इंतजार राजनेता भी करते हैं और हम आम लोग भी करते हैं, क्योंकि 5 साल में ही तो एक बार हमें मौका मिलता है कि राजनेताओं को भी हम बता सके कि एक वोट की पावर क्या होती है। हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में हम लोकसभा चुनाव में दाखिल होने जा रहे हैं, यानी कि 2024 का लोकसभा का इलेक्शन होना है। आज खबर यह सामने आई, न्यूज 18 इंडिया ने आपको सबसे पहले दिखाई थी। खबर यह आती है कि 10 मार्च के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव की जो तारीखें हैं उसका ऐलान हो सकता है। यानी कि सबसे बड़ी बात यह होती है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव का ऐलान होगा, आप सब जानते हैं कि आचार संहिता लागू हो जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, कोई भी पार्टी इस तरीके के वादे नहीं कर सकती या कोई भी ऐसा लोकार्पण या नहीं हो सकता। तो ये तो सब चीजें आपको पता ही है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और कितने नए वोटर्स जुड़ रहे हैं, किस पार्टी की आखिर कितनी तैयारी है। मैं आंकड़े के साथ शुरुआत करती हूं और आंकड़ा मैं आपको बताऊंगी तो आप समझ पाएंगे कि इस बार कितने नए वोटर्स जुड़ने जा रहे हैं और कितना इंपॉर्टेंट है युवा वोटर इस बार हर एक पार्टी के लिए। और उनमें से एक पार्टी के नेता तब ये कह देते हैं कि नशे में घूम रहा है युवा हमारा, तो आप समझ सकते हैं कितना नुकसान होगा। मैं शुरुआत करती हूं 2019 का, मैं आंकड़ा आपके सामने रखती हूं। 89.8 करोड़, ये है टोटल वोटर्स का आंकड़ा 2019 का, और ये इलेक्टोरल डेटा खुद जो है इलेक्शन कमीशन की ओर से अपनी वेबसाइट पर डाला गया है और मैं आधिकारिक आंकड़ा आपको बता रही हूं। अब जो है आंकड़ा आया 2024 का, 6% का उछाल है जो नए वोटर्स अब आ गए हैं, 96.8 करोड़, लगभग 97 करोड़ जो वोटर्स हैं इस बार वोट करेंगे। नए वोटर्स हर पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और बीते सालों में हमने ये ट्रेंड देखा कि बीजेपी की कोशिश रही है कि नए वोटर्स को खुद से जोड़े। खुद प्रधानमंत्री भी अपनी कई रैलीज में कहते रहे हैं, अभी हमने देखा था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो सबको एक मूल मंत्र यही दिया गया कि आप नए वोटर्स को खुद से जोड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है नए वोटर्स को आप अपने आप से जोड़े। नए वोटर्स का आंकड़ा आप देखिए, 2019 में जो नए वोटर्स का आंकड़ा था 1.5 करोड़ था, 2 करोड़ नए यंग वोटर्स और जुड़ते हैं और यह आंकड़ा पहुंच जाता है अब 1.85 करोड़। ये नया वोटर्स का, नए वोटर्स का आंकड़ा है। अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो एक बात बोली है ना, और खास तौर पर ये जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, बहुत नुकसान कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ सकता है जिस तरीके से उन्होंने वाराणसी में कह दिया रात को शराब के नशे में यहां का युवा घूम रहा है, तो आप समझ सकते हैं ये जो 2 करोड़ नए वोटर्स एड ऑन हुए हैं और हिंदी पट्टी के कितने वोटर्स होंगे, कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है आने वाले चुनावों में। महिला वोटर्स की यहां जरूर बात करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बीते 2 टर्म में अपने ये दिखाया है और खासतौर पर 2019 के इलेक्शन में कि महिला वोटर्स उसकी सबसे बड़ी पावर है। और ना केवल 2019 के इलेक्शन में, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन भी मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भी किस तरीके से महिला वोटर्स को खुद से जोड़ा। और मुस्लिम वोटर्स, ये कहा जाता है कि बीजेपी से छिटक जाता है, लेकिन इस बार यह हुआ कि मुस्लिम वोटर्स और खासतौर पर महिला मुस्लिम वोटर्स ने अच्छा खासा वोट बीजेपी को दिया था। महिला वोटर्स 2019 में होते हैं 46.8 करोड़, 2024 में यह आंकड़ा बढ़ जाता है 49.7 करोड़ जो है नए वोटर्स होते हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि इतना उछाल जो है मेल वोटर्स में भी नहीं देखा गया, इतनी महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी है। 2.63 न्यू वोटर्स हैं, जिसमें से 1.41 करोड़ तो नए फीमेल वोटर्स हैं। तो आप समझ रहे हैं 15% का जो उछाल है वो महिला वोटर्स में देखने को मिला है। ये मैंने आंकड़ा आपके सामने रखा। अब खबर ये आई, जैसे हमेशा हम देखते हैं कि लोकसभा चुनाव, क्योंकि आप सब जानते हैं कि राज्य बहुत बड़े बड़े हैं, आबादी बहुत ज्यादा, जिस तरीके से मैं आपको बता भी रही हूं कि इस बार 89, पिछली बार 89.8 करोड़ था, इस बार तो 96.8 करोड़ हो गया, तो चरण कई सारे होंगे, 7 से 8 चरण में चुनाव हो सकता है। पिछला चुनाव जो हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था, अब क्योंकि कौन कौन से राज्यों में ज्यादा चरणों में चुनाव हो सकते हैं, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें आती है, बंगाल, बिहार में भी, एमपी में भी, महाराष्ट्र में, असम में, खासतौर पर ये वो स्टेट्स हैं जहां 20-25 से ज्यादा सीटें हैं। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि 7 चरण जो चरण है वो बढ़ जाएंगे, 7 चरण में पूरा चुनाव होना है और यहां पर 1 चरण से ज्यादा चरण पड़ेंगे तब आप वोटिंग कर सकते हैं। 1 चरण में कौन कौन से राज्यों में चुनाव निपटाए जा सकते हैं वो भी खबर निकलकर सामने है। उसमें है दक्षिण के राज्य ज्यादा है, उसमें केरला है, तमिलनाडु है, उसमें आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और गुजरात और हरियाणा में भी जो है 1 चरण में ही वोटिंग कंप्लीट हो सकती है। अब आप कहिए कि अभी क्यों नहीं ऐलान हुआ, एक तो
ये भी है कि अभी जब चीफ इलेक्टोरल से सभी से बात कर रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ हैं, हर एक राज्य के अपने चीफ इलेक्टोरल्स होते हैं, उनसे बातचीत की जाती है और उनसे पूछा जाता है कि आपके राज्य की क्या क्या स्थिति है, कितने नए वोटर्स जुड़े हैं, सारी जानकारी ली जाती है, सबको एक एक डेढ़ महीने का वक्त दिया जाता है। कश्मीर में अभी जाना है, कश्मीर में दौरा होना है, और कश्मीर में जब दौरा हो जाएगा, कश्मीर की स्थिति जब निकलकर सामने आ जाएगी, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि 10 मार्च के बाद कभी भी आपके सामने जो है तारीखें आ जाएंगी, और तारीखें आते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा और धुआंधार चुनाव प्रचार। हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो अभी से लग भी गई है और कांग्रेस भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली रही है। अब मैं आपको बता दूं कि हर एक पार्टी की तैयारी आप कैसी देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनावों की तैयारी करने लगती है, चाहे वो एकदम आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही चुनाव क्यों ना हो, बहुत छोटा भी चुनाव हो, वहां से लेकर अपने वहां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तक के चुनाव से लेकर अपने लोकसभा चुनाव तक की हर एक तैयारी बड़ी ही एक उम्दा तरीके से करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी से शुरू करूंगी। खबर ये सामने निकल कर आई कि भारतीय जनता पार्टी 1-2-3 मार्च को अपनी पहली सूची जारी कर सकती है, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी बात यह आई कि जो पहली सूची वो जारी करेगी, उस सूची में वो अधिकतर वो उम्मीदवार उन सीटों का नाम जारी करेगी जहां पिछली बार या तो उसका वोट प्रतिशत बहुत कम रहा था, मार्जिन बहुत कम था, या फिर वो जो है चुनाव हार गई थी। और आप सब जानते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो राजनीति को थोड़ा बहुत भी जानता होगा वो जानता होगा इस बात को कि अगर आपको दिल्ली में काबिज होना है तो आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश की सीटों को आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीतना पड़ेगा। 80 लोकसभा सीटें आती हैं, सबसे ज्यादा सीटें यहीं से हैं। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बताती हूं कि पिछले साल क्या स्थिति रही थी। बीएसपी के खाते में 10 सीट जाती है और समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती है, क्योंकि बीएसपी और समाजवादी पार्टी साइकिल चल रही थी, अखिलेश यादव साइकिल चला रहे थे, कैरियर पे उनकी बुआ बैठ गई थी। पिछले चुनाव में 2019 हुआ था कि बुआ भतीजे इस तरीके से दिखा था हमें वो गठबंधन, लेकिन वो फेल हो गया। 10 सीटें बसपा को मिल गई और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी 62 सीटों पर जीत हासिल करती है, अपना दल 2, और कांग्रेस के खाते में मात्र एक रायबरेली की सीट आती है। अब मैं जैसा आपको कह रही हूं कि बीजेपी ने यह कहा है कि इस बार वो सीटें सबसे पहले नाम घोषित करेगी जिन सीटों पर पिछली बार मार्जिन कम था या हार गई थी। उसके पीछे की रणनीति एक ये है, आपको याद होगा कि एक साल पहले यह खबर सामने आई थी कि भूपेंद्र चौधरी को जब बनाया गया था अध्यक्ष, उस वक्त यह खबर सामने आई थी कि जो सीटें वो हारी है, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें जो हारी है, वहां पर प्रभारी नियुक्त कर दिए गए। एक साल पहले सोचिए आप, ये है चुनावी मशीनरी बीजेपी की, एक साल पहले ही उसने प्रभारी नियुक्त कर दिए थे और कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसके बाद में प्रभारियों से रिपोर्ट ली गई और उन प्रभारियों से रिपोर्ट लेने के बाद यह तय हुआ कि हम सबसे पहले उम्मीदवार उन्हीं सीटों पर उतारेंगे जहां पर हम लोग पिछली बार हार गए थे। खासतौर पर उसमें जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें ज्यादा हैं, कहां कहां बीजेपी को जो है देखना पड़ा था, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, मैनपुरी क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है तो आप समझ सकते हैं, रायबरेली, अंबेडकर नगर, पूर्वांचल की भी। हालांकि पूर्वांचल में एक बड़ी मोदी लहर हमें देखने को मिली थी, पूर्वांचल की बहुत सारी सीटों पर कमल खिल गया था, लेकिन पूर्वांचल की अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, आजमगढ़ और घोसी, जौनपुर, गाजीपुर, ये सीटें थी जहां पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई थी। इसीलिए बीजेपी इस बार अपना जो पहली सूची है, संभवता अभी भी हम कह रहे हैं कि संभवतः वो पहले अपना जो अपने नेम्स हैं वो यहां कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है। इस बार प्रधानमंत्री ने जब अपनी मीटिंग की थी कैबिनेट की, तो उसमें ये कहा था, हमने देखा अभी कि राज्यसभा के बहुत सारे उम्मीदवार जो है इस बार रिपीट नहीं हुए, उसका कारण पीएम ने यह साफ तौर पर कह दिया था कि हर एक कैंडिडेट को अपना एक बार तो लोकसभा का चुनाव लड़ना ही चाहिए और लड़कर ही उसको संसद आना चाहिए। इसीलिए इस बार हो सकता है कि जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, जो आपने नाम देखा कि रिपीट नहीं हुए, वो इस बार आपको लोकसभा के चुनावों में दिखाई दे सकते हैं। तो ये है बीजेपी की रणनीति। अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की, क्योंकि मुश्किलें तो कांग्रेस के लिए ही है। 2014 से लेकर अब तक उसका वोट परसेंटेज भी गिरता जा रहा है। लोकसभा चुनावों में 2019 में जबकि एक यात्रा चलाई गई थी किस तरीके से हमने देखा था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, वोट प्रतिशत उनका गिरा, सीटें उनकी घट गई। इसीलिए इस बार सबसे ज्यादा मुश्किल कांग्रेस के लिए। अब यह हुआ कि भाई हम इंडी गठबंधन बनाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन उसमें भी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सबकी दिख रही हैं। अभी तक जहां बीजेपी यह तय कर रही है कि हमको इन इन सीटों पर एक साल पहले ही प्रभारी नियुक्त कर दिया, वहां कांग्रेस और बाकी दल अब तक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करते दिख रहे हैं कि भाई नहीं, हमें तो यहां इतनी सीटें चाहिए, यहां इतनी सीटें चाहिए। कांग्रेस के लिए मुश्किल यह खड़ी हुई है, गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, यहां यह हुआ कि सीटें तय हो गई लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। गुजरात 26 लोकसभा सीटें यहां पर आती हैं, 2 सीटें आम आदमी पार्टी को दे दी गई, अब लेकिन उसमें भी दिक्कत हो गई। भरूच, अहमद पटेल जो दिवंगत नेता हैं कांग्रेस के,
उनके बेटे ही आके कह देते हैं कि ये हमारी सीट थी, हमारी परंपरागत सीट थी, आपने कैसे आम आदमी पार्टी को दे दी, जबकि आम आदमी पार्टी जो है यहाँ से एक उनके आदिवासी चेहरा है उनको उतारना चाह रहे हैं। उनका ये मानना है कि भाई आदिवासी यहाँ पर बड़ी संख्या में, भरूच की सीट पर हम जीत जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर फेज फंस गया। उत्तर प्रदेश की 17 सीटें, आधिकारिक अभी भी इसका घोषणा होना बाकी है, उत्तर प्रदेश की 17 सीटें दी गई कांग्रेस को, लेकिन उन 17 सीटों में भी आप समझिए कि वो सीटें दी गई हैं जहां पर समाजवादी पार्टी भी जीत जाए तो बड़ी बात है। रायबरेली और अमेठी जरूर एक ऐसी सीट है जहां कांग्रेस कह सकते हैं थोड़ी मजबूत, हालांकि अमेठी भी आप उसमें से छोड़ दीजिए अभी, रायबरेली एक ऐसी सीट जहां पर कांग्रेस मजबूत है। दिल्ली की हालत यह थी कि आधिकारिक घोषणा अभी भी नहीं हुई है, लेकिन सूत्र जो हमारे कह रहे थे, जो हम आपको सुबह से बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिली, कांग्रेस को 3 सीटें मिल गई, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और चांदनी चौक, हालांकि नॉर्थ ईस्ट इसमें बाद में एड ऑन हुई है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, चांदनी चौक, जहां पर पिछली बार हमने देखा था कि जेपी अग्रवाल, शीला दीक्षित और अरविंदर लवली को उतारा गया था, ये 3 सीटें मिल गई कांग्रेस को और बाकी की 4 सीटें दे दी गई आम आदमी पार्टी को। दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़, गोवा, हरियाणा, अभी इन सब पर जो है पूरी सहमति नहीं आई है। अब इधर दीदी ने दिक्कत खड़ी कर दी कांग्रेस के लिए, टीएमसी ये कह रही है कि भाई मेघालय में हमको 1 सीट चाहिए, असम में 2 सीटें चाहिए, टीएमसी ये कह रही है कि हमसे तो बात ही नहीं हुई है, और उधर कांग्रेस ने ये कह दिया कि नहीं हमको 5-7 जो 8 सीटें चाहिए थी वो 8 सीटें मिल रही हैं, जबकि टीएमसी ने 42 सीटों में से मात्र 5 सीटें देने का जो है, बल्कि वो तो 2 ही सीटें देने जा रहे थे, लेकिन यहां तो 8 सीटें मांग रहे हैं। आप कौन कौन सी सीटों पर वो बना था, मालदा, बहरामपुर, रायगंज और दार्जिलिंग, ये सीटों पर सहमति बनी, लेकिन 3 सीटें और मांगी जा रही हैं, जिसमें 3 सीटें और कांग्रेस की तरफ से मांगी जा रही हैं। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत दिक्कतें हैं इस वक्त कांग्रेस के लिए, और 10 मार्च के बाद जैसे ही इलेक्शन कमीशन अपने डेट्स का अनाउंसमेंट कर देगा, उसके बाद देखेंगे हम धुआंधार प्रचार प्रसार किया जाएगा और किस तरीके से कांग्रेस तैयारी करती है। इंडी गठबंधन इस वक्त अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ज्यादा पूरी करते दिखाई दे रहा है, बजाय इसके कि वो बीजेपी को टारगेट करे। एक बड़ी चीज जो इस चुनाव में सबसे बड़ी दिखाई दे रही है, एक फैक्ट अगर आप देखिए, बीते चुनावों को आप देखिए, हमेशा वो पार्टी जिसने अपने 2 टर्म रिपीट कर लिए हो वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आती है, एंटी इनकंबेंसी दिखाई देती है, लोगों में नाराजगी होती है, लोगों के पास विपक्षी नेता जाते हैं कहते हैं कि भाई इनमें ये दिक्कत थी, लेकिन पहली बार शायद कोई ऐसा चुनाव होने जा रहा है कि किसी एक पार्टी ने अपने 2 टर्म रिपीट कर दिए बावजूद इसके वो बेहतर पोजीशन में दिखाई दे रही है और विपक्ष कहीं ना कहीं पीछे दिखाई दे रहा है। उसको ढूंढना पड़ रहा है मुद्दे, उसको समझना पड़ रहा है कि आखिर कहां कैसे वो इनको पीछे कर सकता है। तो ये इन चुनावों से जुड़ी बातें थी। इंतजार 10 मार्च का करना होगा क्योंकि अभी कश्मीर का दौरा होना है, उसके बाद ही संभवतः आपके पास सामने डेट्स आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे अभी आप लोकार्पण शिलान्यास तो देख ही रहे हैं और एक यूके के साथ में जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देख रहे हैं वो जल्दी हो सकता है कि उसका भी ऐलान हो जाए, क्योंकि अगर उसका ऐलान अभी नहीं हुआ तो चुनाव आचार संहिता लगने के बाद उसका ऐलान नहीं हो पाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए कि आप इस चुनावों को इस बार कैसे देख रहे हैं, और चुनावों से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर आना है।